जिला को 30 लाख, किसी जिला को 50 लाख, किसी जिला को 1 करोड़। अभी साहू समाज में कई कुरीतियाँ व्याप्त हैं, तो उसके बदलाव के लिए आप क्या देखते हैं? मैं बहनें विधवा हो जाती है कोई कारणवश, तो उन लोगों को चूड़ी उतारने का प्रथा और तस्वीर और तकदीर बदलेंगे साहू समाज। भक्त माता राजीम के कार्यक्रम में है, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू जी हैं। उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा क्या क्या सौगाते साहू समाज को मिले हैं। साहू समाज को मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला को, किसी जिला को 25 लाख, किसी जिला को 30 लाख, किसी जिला को 50 लाख, किसी जिला को 1 करोड़, ऐसे करके पूरा जमीन जिला साहू संघ के लिए और निचले स्तर के तहसील और प्रक्षेत्र के लिए भी बहुत सारे जगह दिए हैं। इस मुख्यमंत्री को इस मंच के माध्यम से साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और इनकी जो सोच है हमारे समाज के लिए उसमें हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। और आज राजीव जयंती के उपलक्ष्य में मैंने नियमावली को जो बना है साहू समाज को, उसको अगले राजीव जयंती में मैं संशोधन करने के लिए बोला हूँ, और मैंने अगले जयंती में, राजीव माता के जयंती में, इस साहू समाज के चुनाव नियमावली को संशोधन करूँगा, और आने वाले चुनाव नया नियमावली में होगा, ताकि ग्रामीण के लोग हमसे दूर हो रहे हैं, उस समाज को जोड़ना है गांव वालों को। गांव के बदौलत समाज चल रही है, साहू समाज गांव की बदौलत है, तो मैं वो वंचित हो रहे हैं उनको मैं ताकतवर बनाऊंगा, समाज को संगठित करूंगा, और छत्तीसगढ़ में यश कीर्ति हो और तस्वीर और तकदीर बदलेंगे साहू समाज का। दाऊ जी, हम देखते हैं कि अभी भी साहू समाज में कई कुरीतियाँ व्याप्त हैं, तो उसके बदलाव के लिए आप क्या देखते हैं? मैं मंच से बोला हूँ, कई कुरीतियाँ जैसे मृतक भोज में हम संशोधन करवा रहे हैं, पहले से हमारे नियम में है तो मृत्यु भोज बंद करवा रहे हैं। वैसी विधवा लोगों का, जैसे हमारी माताएं बहनें विधवा हो जाती है कोई कारणवश, तो उन लोगों को चूड़ी उतारने का प्रथा जो तालाब में होता है उसको मैं चाह रहा हूँ घर के कमरे के अंदर हो, उसके बाद तालाब के कार्यक्रम हो, और तालाब के पार में एक नाई के द्वारा चूड़ी उतारा जाता है, उस प्रथा को मैं बंद करना चाह रहा हूँ। वैसी उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन बच्चों को मौर सौंपने नहीं दिया जाता, तो उन विधवा माताओं को मौर सौंपने का अधिकार दिलाऊंगा। साहू जी, हम यही जानना चाहेंगे कि आपने अभी कुरीतियों के बारे में बताया, वैसे ही साहू समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या प्रयास रहेगा? वैसे हमारे समाज में अब पहले जैसे नहीं है, पढ़े लिखे समाज हो गया है, कई IAS, कई IPS और बहुत सारे अभी बच्चे लोग IAS, IPS में और PSC में सब लोग अच्छा टॉपर हो रहे हैं, और अभी जो बच्ची है आई थी वो भी यहाँ की प्रॉपर SDM है, वो भी नई अभी नियुक्ति हुआ है, तो ऐसे बच्चों को और व्यापार के क्षेत्र में भी साहू समाज अब अग्रणी है, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और तेनघाली बोर्ड का स्थापना हुआ है, उसके माध्यम से भी बहुत सारा परिवर्तन लाने का एक सोच रखे हैं। तो आपने टहल साहू जी को सुना, उन्होंने बताया कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ही उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन का भी भरोसा दिलाया है, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई मांगे की हैं, तो देखना होगा कि उनकी मांगे कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।